हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर कॉल लेटर आ गया पोर्टल पर, ये क्या है, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BPED MPED CUET रिजल्ट के बारे में। तो मैं सबसे पहले खिलाड़ियों से बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को स्किप करते हैं तो चीज़ें आपकी स्किप हो जाती हैं, फिर आप मेरे को कॉल मैसेज करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेके एंड तक इसको देखेंगे। आपने फिजिकल फ्रंट टेस्ट दे दिया है, अब रिजल्ट कब आएगा आप इसका वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ये क्या है। आपके पोर्टल पर एक कॉल लेटर आया है और उस कॉल लेटर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद आपके रिजल्ट पर और ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू ये क्या होता है, इस पर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं बात करूँ सबसे पहले, इस तरीके का आपका कॉल लेटर आया है आपके पोर्टल पर, आपने देखा होगा। मैक्सिमम खिलाड़ियों को तुरंत मैसेज वायरल होता है कि कॉल लेटर आ गया है, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बोलना चाहूँगा, थोड़ा पेशेंस रखा करो चीज़ों के लिए, थोड़ा इंतजार किया करो। मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे रहते हुए। मैंने आपको हमेशा बोला है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस का किसी भी फील्ड का कोई भी टास्क हो, वो मैं आपको करा कर दूंगा, बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, परेशान नहीं होना है। तो ये आपका कॉल लेटर आया है आपके पोर्टल पर। जब आपने पोर्टल को ओपन किया, सर कॉल लेटर आ गया, एकदम घबरा गए, टेंशन हो गई, सर ये क्या है, और यहाँ पर सर ये ग्रुप डिस्कशन लिख कर आ रहा है, ये क्या है, और पर्सनल इंटरव्यू लिख कर आ रहा है, ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका जो रिजल्ट है ना, आपका जो रिजल्ट है BPED की बात करूँ एंड MPED की, सारे खिलाड़ी ध्यान से सुनेंगे, हम बात कर रहे हैं 2023 का BPED का MPED का जो रिजल्ट है, आप उस रिजल्ट का वेट ना करें, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, और जो आने वाली जो आपके आगे की जो चीज़ है, या हम बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन है आपकी लाइफ का, चाहे वो हो सकता है रिटन एग्जाम हो, चाहे वो फिजिकल टेस्ट हो, उसको ना देख कर आप पूरा कंसंट्रेट, पूरी एनर्जी इस पर लगा दे रहे हैं। आपको पता है आपका DU का ही फिजिकल आने वाला है, GU का ही फिजिकल आने वाला है, तो आप उनको छोड़कर उन सारी चीज़ों को इस पर फोकस कर रहे हैं। अरे ये रिजल्ट आना होगा, आएगा, बेफिक्र रहिए। मैं आपको बता दूं, इस रिजल्ट में आने में लगभग, मैं आपको बता दूं एक टेंटेटिव 7 days का टाइम लग सकता है, मतलब इतना समय लग सकता है कि 7 दिन के अंदर आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मंडे से आपको अपने पोर्टल को बराबर चेक करते रहना है, क्योंकि आपको इतनी एनर्जी इस पर नहीं देनी है। अब बात आती है इसको लेकर, सब ने मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स ने मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए कि सर ये क्या है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, इसी में टेंशन हो गई। थोड़ा सा वीडियो का वेट किया करो, एकदम हवा निकल जाती है, घबरा जाते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपसे बोला है ना, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू हमारे BPED MPED कोर्स में नहीं है। मैं आपको बता दूं, 17 से पहले जितने भी एडमिशन होते थे, 2017 से पहले जितने भी एडमिशन हुए हैं, उनमें थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ लिया देते, जैसे कि आप किस गेम के हैं, आप उस गेम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करो। अब 17 के बाद नहीं हो रहा है। ग्राउंड में जब आप फिजिकल टेस्ट देने के लिए जाते हैं, तभी आपसे वहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेते हैं, आपका गेम क्या है, आप रियल में खेले हो, फर्जी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। 17 से पहले की बात करें, 17 तक क्वेश्चन पूछते थे, वो सर्टिफिकेट को क्रॉस वेरीफाई करते थे, तो ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है। पहली बात तो अब इसको लेकर परेशान नहीं होना है, एनर्जी आपको अपनी वेस्ट नहीं करनी है। उसके बाद सर ग्रुप डिस्कशन क्या है, एक लड़की ने इतनी कॉल करी है मेरे को कि उसका कोई जवाब नहीं, सर ये ग्रुप डिस्कशन क्या है। मैंने बोला है वेट किया करो, ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू हमारे कोर्स में नहीं है। अगर ऐसा होगा भी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, परेशान नहीं होना है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है, ये PG का पूरा परफॉर्मा है, PG हम बोल सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट का, तो उसमें जितनी भी डिफरेंट स्ट्रीम आती है वो सब इंक्लूड होकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डिक्लेयर करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है
आपको पता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पीजी का किसी का रिजल्ट नहीं आया, तो आपका कैसे रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा सोचा करो। और भी बहुत सारे कोर्स हैं, हम बात करें एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, तो परेशान नहीं होना है, रिजल्ट आएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के चक्कर में आप परेशान नहीं होंगे, और आपको अपने फिजिकल फिर टेस्ट की तैयारी करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और जीयू के लिए, वहाँ पर जाएं, सेकंड ऑप्शन अपना तैयार रखें। अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ होता है, अगर सेक्शन नहीं होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारी लाइफ में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अब सब खिलाड़ियों के बीच में जो डाउट थे, जो क्वेश्चन थे, वो क्लियर हो गए होंगे, अब मेरे को मैसेज और कॉल नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, और अगर मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स का कॉल आते हैं या कोई मैसेज करता है कि सर ये ग्रुप डिस्कशन क्या है, तो मैं उसको फिर ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को वीडियो देखनी है और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे वो वीडियो को देखकर थोड़ी संतुष्टि मिले। मैं जानता हूँ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सेशन लेट हो रहा है, घबराहट हो रही है, टेंशन होती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके बीच से निकल कर आया हूँ। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को। तो मैं समझता हूँ अगेन कि ये वीडियो क्लियर समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।